सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोमित्रम चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। रोजाना की पूजा कैसे करें? मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोमित्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि रोजाना घर में पूजन किस प्रकार करना चाहिए और कौन कौन से नियमों का हमें पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपके घर में यदि मंदिर नहीं है तो आप घर में मंदिर अवश्य बना लीजिएगा, और घर के मंदिर के ऊपर शिखर नहीं होना चाहिए। यदि घर के मंदिर में शिखर रहेगा तो इससे आपके घर में कई प्रकार के दोष उत्पन्न होंगे। साथ ही साथ घर में जो मंदिर होता है वह यदि मार्बल का हो तो अत्यंत श्रेष्ठ माना जाएगा। इसके अलावा लकड़ी का है तो भी चलेगा, लेकिन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है मार्बल का जो मंदिर बनता है वह सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा मंदिर घर के अंदर होना चाहिए और घर में जो मंदिर हो वह ईशान कोण में हो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। पूर्व दिशा, उत्तर दिशा या फिर जगह नहीं होने के कारण पश्चिम दिशा में भी मंदिर बनाया जा सकता है, लेकिन दक्षिण दिशा में मंदिर नहीं हो, क्योंकि यदि पूजा करने वाला जब बैठा रहे तो उनका मुंह या तो पूर्व दिशा की ओर रहे या उत्तर की ओर रहे या फिर पश्चिम की ओर भी हो सकता है, लेकिन दक्षिण की ओर पूजा करने वाले का मुंह नहीं होना चाहिए। अधिकांश हिंदुओं के घर में पूजन के लिए छोटे छोटे मंदिर बनाए जाते हैं जहां वो भगवान की नियमित पूजा करते हैं। पूजा प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि पूजा करने से हमें सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है और हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूजा के कुछ खास नियम होते हैं जिनका पालन करना सभी को आवश्यक होता है। पूजा जरूरी नहीं कि आप बहुत देर तक पूजा करें, जरूरी नहीं कि आप बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्ति रख करके पूजा करें। आप पूजा स्थल पर एक मूर्ति रख लीजिए और श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक, भक्ति पूर्वक, एकाग्र चित्त से मन लगा करके यदि आपने 5 मिनट भी पूजा कर ली है तो समझ लीजिए कि आप धन्य हो जाएंगे और आपको पूजा का पूरा पूरा फल अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन आप बिना मन से यदि 2 घंटे भी पूजा कर रहे हैं तो ऐसी पूजा का कोई मतलब नहीं है। तो मन लगा करके आप क्षणिक भी यदि पूजा कर लेते हैं तो आपको पूरा फल प्राप्त होगा। पूजा घर के मंदिर में अच्छा स्वच्छ वस्त्र बिछा करके उसके ऊपर भगवान को स्थापित करना चाहिए। भगवान जो भी आप रखें उनका प्रतिदिन स्नान होना आवश्यक है। स्नान कराने के बाद उनको चंदन लगा दीजिए। चंदन लगाने के बाद उनको पुष्प चढ़ाइए। पुष्प चढ़ाने के बाद में यदि भगवान विष्णु है, नारायण है, राम है, कृष्ण है तो उनको तुलसी अवश्य चढ़ाइए, और यदि गणेश है तो उनको दुर्वा चढ़ाइए। शिव जी को बिल्वपत्र चढ़ाया जाता है और इसके बाद भगवान को धूप और दीप दिखाया जाता है। इसके बाद नैवेद्यम लगाया जाता है। नैवेद्यम किसी भी चीज का हो सकता है। भगवान जितने बड़े हैं उतने ही मात्रा में नैवेद्यम लगाया जाता है। घर में ध्यान रखें कि घर के मंदिर में अंगूठे से बड़ी मूर्तियां नहीं होना चाहिए। और इसके बाद नैवेद्यम के पश्चात भगवान की आरती की जाती है और पुष्पांजलि के लिए पुष्प चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद यदि आपने गुरु दीक्षा ली है तो आप गुरु दीक्षा के माध्यम से जो मंत्र प्राप्त हुआ है उस मंत्र का जाप कर लीजिए, और प्रतिदिन एक निर्धारित समय पर आप भगवान की पूजा करें तो आपको अवश्य ही फल की प्राप्ति होगी। कुछ और नियम हैं, इनको हम आपको बताने जा रहे हैं। आप इसको पूरा ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि पूजा में कुछ आवश्यक नियम है, उनका भी पालन करना चाहिए। घर के मंदिर में ज्यादा बड़ी मूर्तियां नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार घर में यदि आपको शिवलिंग रखना है तो अंगूठे से बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। अन्य देवी देवताओं की मूर्ति भी छोटी ही आकृति के रखना चाहिए। घर के मंदिर के लिए
छोटी मूर्तियां ही श्रेष्ठ मानी जाती है। पूजा करते समय हमारा मुंह या तो पूर्व दिशा की ओर हो, या उत्तर दिशा की ओर हो, या फिर पश्चिम दिशा की ओर हो। मंदिर तक सूर्य की रोशनी यदि पहुंचती है तो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ताजी हवा यदि मंदिर के अंदर आती है तो वह भी श्रेष्ठ मानी जाती है। इससे सकारात्मक ऊर्जा आती है और घर के कई दोष स्वतः शांत हो जाते हैं। पूजन में पूरे घर में कुछ देर घंटी अवश्य बजाएं। यदि घर में मंदिर है तो रोज सुबह शाम पूजन अवश्य करना चाहिए। पूजन के समय घंटी बजाएं, साथ ही एक बार पूरे घर में घंटी बजाने की आवाज सुनाई देना चाहिए। घंटी की आवाज से सारे वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। और इसके साथ ही घर में यदि आपके शंख बजने वाला नहीं है तो बजने वाला शंख भी होना चाहिए, और शंख को भी रोजाना बजाना चाहिए। पूजन सामग्री से जुड़ी कुछ बातें हम आपको बता दें कि पूजा में बासी फूल पत्ते अर्पित नहीं करना चाहिए, स्वच्छ व ताजे जल का ही उपयोग करें। इस संबंध में ध्यान रखने योग्य है कि तुलसी के पत्ते और गंगा जल कभी भी बासी नहीं माना जाता है। इसी के साथ बिल पत्र भी बासी नहीं माने जाते हैं, अतः इनको धो करके बार बार उपयोग किया जा सकता है। शेष सामग्री ताजी होना चाहिए। यदि कोई फूल सूंघा हुआ है या खराब है, या जमीन पर गिर गया है, या हमारा पांव लग गया है, तो उसे भगवान को अर्पित नहीं करना चाहिए। पूजन कक्ष में चमड़े से बनी वस्तुएं, जूते चप्पल नहीं ले जाना चाहिए। देव मंदिर में मृतकों और पूर्वजों के चित्र भी नहीं लगाना चाहिए। पूर्वजों के चित्र लगाने के लिए दक्षिण दिशा श्रेष्ठ रहती है। घर में दक्षिण दिशा की दीवार पर उत्तर की ओर मुंह करके मृतकों के चित्र लगाए जा सकते हैं, लेकिन देव मंदिर में मृतक पितरों के चित्र नहीं लगाना चाहिए। पूजन कक्ष में पूजा से संबंधित सामग्री रखना चाहिए। अन्य कोई वस्तु, भंडार गृह या और कोई वस्तु पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। पूजन कक्ष के आसपास शौचालय या बाथरूम भी नहीं होना चाहिए। ऐसे स्थान पर पूजन कक्ष को बनाएं जहां पर आसपास शौचालय नहीं हो। यदि किसी छोटे कमरे में पूजा स्थल बनाया गया है तो वहां कुछ खुला स्थान अवश्य होना चाहिए, जिसमें आसानी से वहां पर बैठा जा सके और वहां पर बाहर की आवाज शोरगुल नहीं होना चाहिए। साथ ही ये ध्यान रखना चाहिए कि पूजा स्थल पर पर्दा अवश्य लगाना चाहिए। जब हम रात को सोते हैं तो उस समय भगवान के पट बंद कर देना चाहिए। जिस प्रकार हम पर्दा लगा करके सो जाते हैं और हमें कोई भी विघ्न ना पहुंचाए, इसी प्रकार भगवान को भी पर्दा लगा करके सुला दीजिएगा। श्रेष्ठ जब समय आता है, वर्ष भर में कोई भी श्रेष्ठ पर्व आता है, उस समय आप गोमूत्र का छिड़काव अवश्य करें। गोमूत्र का छिड़काव करने से पूरे घर में, देव मंदिर में गोमूत्र का यदि हमने छिड़काव किया है तो देवी कृपा होगी और सारे वास्तु दोष हमारे समाप्त हो जाएंगे। खंडित मूर्तियां पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। जो भी मूर्ति खंडित हो जाती है उसे पूजा स्थल से तुरंत हटा देना चाहिए और किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। खंडित मूर्तियों की पूजा अवश्य रूप से जो है अशुभ मानी जाती है। इस संबंध में ध्यान रखें कि सिर्फ सारे देवता जो है खंडित मूर्ति की पूजा कभी आपको नहीं करना चाहिए। सदैव दाहिने हाथ से अर्थात सीधे हाथ से ही भगवान को फूल, चंदन, पुष्प आदि अर्पित करना चाहिए। भगवान को उल्टे हाथ से कोई भी सामग्री नहीं चलाना चाहिए और भगवान की पूजा में हमेशा ध्यान लगा करके, मन लगा करके पूजा करनी चाहिए। यदि आप मन से पूजा करते हैं, श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, भक्ति के साथ पूजा करते हैं, तो ही पूजा का फल आपको प्राप्त हो सकेगा। और पूजा करते समय हमें अपने घर के कामों में, इधर उधर की बातों में, गृहस्थी में ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि यदि हम पूजा करते समय घर की इधर उधर की बातों पर ध्यान देंगे तो हमारी पूजा निष्फल मानी जाती है।
पूजा करते समय मन में एकाग्र चित्तता होना अत्यंत आवश्यक रहता है। यदि हमारे मन में एक चित्तता नहीं है तो हमारी पूजा निष्फल है, उसका कोई मतलब नहीं माना जाता है। पूरा मन लगा करके आप ध्यान पूर्वक सुबह शाम पूजा करें, आरती करें और भगवान से प्रार्थना करें। चाहे आप 2 मिनट करें, 5 मिनट करें, लेकिन मन लगा करके जरूर करें। मित्रों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने एस्ट्रोमित्रम YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले प्राप्त करते रहिए। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।